Good morning, ladies and gentlemen. This is me, journalist Prachi Rawat from K12 News. Right now, I'm standing at Siksha Bhushan Puraskar, organized by CED Foundation at Hotel Radisson, Gurugram. So let's talk to some guests and award winners of the event. Hello, ma'am. Please introduce yourself. My name is Manpreet Kaur Sodhi. I'm a counseling psychologist working as a school counselor with Jammu Sanskriti School, Jammu. I also have a private clinic named Aman Psyche Care. So I also work there. That's great, ma'am. So according to you, what are the key highlights of this events and your experience over here as a guest, ma'am? My experience is very good here. Like बहुत सारी चीज़ें जो सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो अभी सीखनी है कि normally जो अंदर जिस चीज़ को present किया जा रहा है वो implementation के बारे में ही है कि आप कैसी चीज़ों को implement कर सकते हैं या क्या NEP के rules and norms हैं या बाकी सब चीज़ें हैं जिसको आप proper अपनी life में एक on ground practical level पे आप कैसे implement कर सकते हैं. सो बहुत सारी चीज़ें जो सीखने को मिली, जैसे capacity building programs के बारे में बात की और साथ में workshops जो conduct हो रही हैं empower करने के लिए educator को, और आप अगर खुद एम्पावर्ड होते हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को भी एम्पावर कर सकते हैं. सो ये कुछ चीज़ें थी जो बहुत ही अच्छी लगी सुनने में और आई होप कि हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे. दैट्स ग्रेट मैम. तो जैसे कि आपने कहा आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो कुछ मैसेज आप देना चाहें हमारे बच्चों को, हमारे टीचर्स को, हमारी K12 कम्युनिटी को? बिल्कुल. सी, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, तो मुझे पता है कि एक इंसान बहुत सारी चीज़ों से गुजरता है जो नॉर्मली हम लेमैन हमेशा उस चीज़ को ध्यान नहीं देते. सो मेंटल हेल्थ बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता. अगर आप देखेंगे 200-300 मीटर पे हमारे पास जिम्स हैं, बट हमारे पास मेंटल हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं है. सो बहुत इंपॉर्टेंट है छोटों से लेके बड़ों तक मेंटल हेल्थ के बारे में ध्यान रखना, उनको बताना कि लाइक हाउ यू थिंक, फील एंड बिहेव. जब ये तीनों चीज़ों का कनेक्शन एक साइक्लिक फॉर्म में आता है तो आपका बिहेवियर पॉजिटिवली भी आगे बढ़ सकता है और नेगेटिवली भी इफेक्ट हो सकता है. सो स्कूल काउंसलर्स हों या एजुकेटर्स हों, वो एक आई गेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए. सो इफ़ दे आर मेंटली फिट तो वो प्रॉपरली अपनी स्टडीज़ को भी ध्यान दे पाएंगे, और जो भी हम यहाँ पे सीख रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम ये कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, वो तभी पॉसिबल होगी जब एक बच्चों की हम भी मेंटल हेल्थ के बारे में ध्यान रख पाएंगे. दैट्स ग्रेट मैम. थैंक यू सो मच. ऑलवेज वेलकम. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद अस. फॉर मोर अपडेट्स काइंडली फॉलो अस ऑन K12 न्यूज़.